भाई ये पहाड़ देखो सामने वाला, ये यहाँ पे मम्मी की शूटिंग हुई थी। हंस कर रहे हो भाई, इधर देखो, इधर पीछे हो भाई, ये देखो देखो पूरा इधर से उधर का मम्मी वाला सीन है ना, पूरा पूरा ये पूरा वहां तक घूम के है, पूरी मम्मी वाली शूटिंग हुई थी। ये पूरा रेतीला पहाड़ है, मतलब कंकड़ है बहुत छोटे छोटे, तो यहाँ पे मम्मी की शूटिंग हुई थी। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा है, मम्मी वाली गुफा होती है ना ये, वो यहीं से बनाई गई थी। पहला पोर्शन भी देखो, इसमें जो आपको ये बीच में ये मतलब गुफा टाइप से आर पार दिख रहा है ना, इसमें शूटिंग हुई थी शिवाय मूवी की। यहाँ पर क्या नाम है उनका, हाँ यहाँ पर अजय देवगन जो है लटकते हुए दिखाते हैं ना, वो यहाँ पर लटके थे। जी देखो, मैं जो बोल रहा था ना, वो मम्मी वाला पहाड़ी है, उसका बैक साइड है। इसमें देखो ये मुंह सब बने हुए हैं, देखो मम्मी के, देखो उधर की तरफ, और जूम करता हूँ और ये देखो बीचों बीच ये, यहाँ से ही मम्मी रिटर्न्स जो है वो इंस्पायर्ड हुए थे वो इस वाली से, और फिर यहीं पे शूटिंग कर ली थी उन्होंने। नदी तो मिलनी थी बहुत देर से, मैं देख रहा था भरी हुई मिलेगी, कहीं थोड़ी बहुत मिल जाएगी। यहाँ पे बह रहा था पानी थोड़ा सा पास में, तो गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, दिख रही हो तो अगर, और उतर के आ गए, हाथ चिपचिपे हो रहे थे, हाथ धो ले जरा। खैर यार, स्पीति का तो पानी देख लिया था, इसका पानी भी देखते कितने ठंडा है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे काई टाइप से जमी हुई है, लेकिन स्ट्रीम बहुत सही आ रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो थोड़ा सा जल्दी से करके हाथ पैर धो के चलते हैं। नहीं पागल हो गए तो भी हो भाई। पकड़ो हाथ तो धो, अपने हाथ तो धो ले, हाथ तो धो जल्दी, अरे एक बार धो ले। तो गाइस पांग पहुंच चुके हैं, आई गैस, पता नहीं, दिखा तो बहुत पहले से रहा था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मुझे लग नहीं रहा, 30 किलोमीटर में आ गया, लेकिन जब बोर्ड लग रहा है तो पांग पहुंच ही चुके होंगे। हिमांग वेलकम टू पांग। तो देखो ये लिखा हुआ है, नजारे अच्छे हैं ही, पक्षी भी उड़ रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे टेंट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैगी वगैरह कुछ खा लूँ यार, फिर आगे चलेंगे। एक्चुअल में सुबह से कुछ ऐसा कुछ नहीं खाया, जो नमकीन बिस्किट और क्या खाया, थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी ली है, और तो कुछ खाया वाया नहीं है। बाकी ये भैया बुला रहे हैं हाथ दे के, तो चलो इनके ही कर रहे हैं, इन्होंने इतनी कोशिश तो करी हाथ दे के बुलाने की, यहीं चल लेते हैं। इन्हें सही बना रखा यहाँ पे, थोड़ा ठीक कर रखा है, थोड़ी मतलब कोजी कोजी सा गर्मी गर्मी से, यहाँ पे लेट लो। क्या खाएगा भाई, मैगी मैगी और मैगी ले लेते हैं, और क्या क्या है आपके पास? वेज चौमिन है, मैगी है, दाल रोटी है, दाल चावल है। दाल चावल है नहीं, दाल चावल नहीं खाएगा, मैगी लेते हैं। मैगी तीन मैगी कर दो, एक बाद में देना, लेकिन ठीक है, एक बाद में देना, जब हम खा लेंगे ना तब देना, एक ठंडी हो जाएगी वरना, है ना, दो तो एक साथ दे दो, तीनों साथ बना दो, हाँ बना दो साथ, लेकिन वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तो उसे बाद में खा लेंगे, दो देना एक साथ। भाई पैर सीधे करने को नहीं मिले, पैर सीधे करने के बाद तो सुकून आ रहा, कसम से सीधे होने के बाद ये मसल में इतना दर्द हो गया है, क्लच दबा दबा के, मैं सोच रहा हूँ लेट जाऊँ यहाँ पे दो मिनट के लिए। तीनों इसमें हाँ। डाल दो क्या, तीनों, हाँ आधा आधा कर दो, ऐसे कर दो, इसमें ही डाल दो, सही है ना, ये दो हो गई, हाँ इसमें ही कर दो, हाँ इसमें कर दो, हाँ हाँ भाई ये फूड ब्लॉग रहे हैं। तो भाई रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसा तो पकड़ना अच्छा ही लगता, दूसरे से सोचते हैं हमारा कार्टून बना कर रहा हूँ। आप लोग कौन सी भाषा बोलते हो? बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लैंग्वेज, हिंदी हिंदी भी आता है, हिंदी भी आती है, बोलते नहीं आप लोग, बोल देते हैं। अच्छा आपस में बुद्धिस्ट बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ठंड वंड का क्या हिसाब रहता है, जब बहुत ठंड नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में यहाँ कोई नहीं रहता है, आप भी नहीं रहते,
कोई नहीं रहता हम आपका चले लास्ट में निकल जाएगा सब अक्टूबर लास्ट हां ले में पड़ते हम लोग घर ले में ना अच्छा ले में ले में पड़ती बर्फ मैंने बर्फ नहीं पड़ते ज्यादा ज्यादा एक फुट डेढ़ फुट बस अच्छा मतलब जीने लायक है हाँ यहाँ पाँच छह फुट पड़ते हैं यहाँ पे बाहर रोड बंद हो जाएगी कुछ नहीं है बस ऐसे ही है थोड़ी देर में गर्मी पड़ जाएगी मैगी खा लिया भाई अंकल से पूछ लिया आज ले पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे क्योंकि टाइम अभी 4:30 के करीब हो रहा है ना और हवा चल रही है भाई हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है मौत कहते हैं ना मौत मौत है कलर दिख रहे हैं पहाड़ के एक लाइट ब्राउन एकदम येलो से कलर का एक डार्क ब्राउन और एक पीछे वाला सबसे पीछे वाला ब्लैक कलर का पहाड़ है गाइस आप सामने देख पा रहे होंगे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये देखो नदी है मतलब छोटे छोटे ये काफी अच्छी लग रही है वैसे पानी बहुत कम है इसमें और इसकी मतलब गहराई काफी ज्यादा है मैं नीचे देख रहा था इधर रोड से आ रहा था ना तो जहाँ से हम आए थे वो चीज दिख रही थी नीचे की तरफ भाई देख के इतना डर लग रहा था कसम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था मतलब समझ लो ऐसा लग रहा है जान निकल गई इधर देख रही है ना जान निकल गई उस तरीके का हो रहा था लेकिन जैसे अभी जस्ट इधर से चढ़ाऊ ना यहाँ से चढ़ाऊ ना मैं यहाँ से इधर आया ये देखा और ये देखो ऐसा लग रहा है प्लेन है वहां तक पूरा प्लेन है देखो ये देखो पूरा प्लेन है उधर से और इधर से नीचे देख लो एकदम खाई है ये पूरा वहां तक प्लेन है पूरा एरिया मतलब ये अच्छा सा है पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में हो सकता है नेक्स्ट ईयर करते हैं कुछ बाकी इधर से एकदम से चढ़ाई आके बहुत सारा एरिया प्लेन दिख रहा है ना काफी मतलब अलग सा लगा मतलब ये है पांग से 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर मैक्सिमम होगा वहां से इतना है डिस्टेंस भाई रोड तो बहुत देर से यहाँ पे सीधी चल रही है मतलब स्ट्रेट रोड चल रही है और काफी स्मूथ रोड है लेकिन इस स्मूथ रोड को देख के इस चक्कर मत रहना कि बहुत तेज गाड़ी चला जाता हूँ 60-70-80 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ बीच बीच में काफी सारे बम्प्स भी हैं देखो जैसे ये बम्प है ना एकदम से ये तो चलो बम्प है एकदम से एक डिप आया था पीछे अभी भाई बची गई कोई कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी होती ना वो तो 100% लग जाती नीचे तो उसकी बॉडी टच हो जाती उस वक्त मैं चल रहा 55-60 की स्पीड पे चल रहा देखो अब तो इन्होंने स्पीड लिमिट दी हुई है सामने की तरफ लिखी हुई है 50 स्पीड लिमिट लेकिन 50 ही चलाओ 50 से ज्यादा मत चलाओ एक तरीके से प्लेन सा एरिया आ गया है काफी दूर तक आपको दिख रहा हो प्लेन है पहाड़ बहुत दूर है ना एकदम से नीचे खाई भी नहीं है ना और मार्किंग भी सही की हुई है रोड पे येलो वाली स्ट्रिप भी की हुई है व्हाइट वाली स्ट्रिप भी की हुई है और बीच में रिफ्लेक्टर्स भी लगाए हुए हैं रात वात के लिए देखो जैसे अब ये वाला देखो यहाँ पे आने वाला ना ये एकदम से कलर चेंज हो रहा है रोड का ये ऐसा ही पैच आया था पीछे बहुत ही गंदा था वो एकदम से गाड़ी डिप में गई थी उसमें अभी भी देखो कितना हिल गया कैमरा तो यही है बस थोड़ा सा बाकी तो आपकी मर्जी है भाई मैं तो सारा दिन का काम है से करीब 125 किलोमीटर दूर है तांगलांगला आने वाला है करीब 10 किलोमीटर भी नहीं होगा और कम ही होगा तांगलांगला टाइम देखो 6:12 हो चुके हैं शाम के टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री बाकी ये सब गाड़ियां आके रोक दी हैं क्योंकि यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अंधेरा भी हो गया यार अब तो मैं थक गया कसम से गाड़ी चलाते चलाते है ना आज ड्राइव गिरी है सुबह 550 के करीब था और अभी 900 के करीब हो रहा है तो मैंने 450 के करीब ड्राइव कर लिया आज सुबह से भाई देखो मैं सुबह 5:30 चला था आप लोगों को बताया था मैं चला था मनाली से मतलब 5 बजे के करीब मान लो और 5:30 और अभी पता अभी हो रहे हैं 6:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट कितनी दूर है ले 100 किलोमीटर दूर है अभी ले से तो अच्छा रात के 2 बजे निकलता वहां से तब जाके पहुंचता यहाँ पे रोड अभी अच्छी चल रही है पीछे से
लेकिन पहले जो रोड ने दिमाग खराब कर दिया ना, वहाँ बहुत कम बहुत धीरे चली और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है यार, मनाली से लेकर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रोड्स के हिसाब से। एक दो जगह तो वो भी हो गए थे, हम खो खा गए थे, बैक वैक हो गए, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और आपको पता है यार, व्लॉग शूट करने के लिए, थोड़ा बहुत शूट करने के लिए रुकना ही पड़ता कई जगह। वहाँ पे भी मतलब टोटल आप पूरे दिन का 2 घंटा तो ऐसा मान लो कि व्लॉग शूट करने में, खाना खाने में वेस्ट हो ही जाता है। फाइनली पूरा 24 घंटे ड्राइव करने के बाद अगला दिन लगने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये देखो बस दिख गया, और भाई सामने देख लो, मुझे तो ले दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, मैं नहीं कह सकता भाई क्योंकि मैंने पूरे दिन ड्राइव करी है तो मुझे दिख रहा है ले। और ये रही गाड़ी, ये देख लो एवरेज, देखो एवरेज बढ़ गया मेरा यहाँ तक पहुंचने के लिए। कितना हो गया, तो कम हो गया दोबारा, 19.2 हो गया भाई, 19.2 हो गया, बढ़ गया, 18.5 था पांग से पहले, पांग के बाद 19.2 हो गया, ये चौराहा आ गया। चलो तो अब वहां चल के बताऊंगा, एक दो बातें हैं रास्ते में जो हुई हैं थोड़ी, तो उनकी बात वहीं चल के करेंगे, कहाँ रूम में चल के होटल। लो भैया दोबारा से कढ़ाई पनीर आ गया हमारा, ये भैया बटर नान, बड़ी मुश्किल में जाके मिला खाना, इन्हें कढ़ाई पनीर खाना था, मैं तो चिकन खा लेता भाई साहब को, सैटरडे को नहीं खाते भाई साहब। चलो खैर स्टार्ट करते हैं भाई, देखना इसमें क्या होगा यार। कितने की कॉस्टी थी, 250 रुपये के करीब का था, कोई नहीं अब जैसा भी है यार। मैंने अभी दोबारा से ये रोगन जोश है ये मंगा लिया है, ये तो कम बटर था तो भाई के लिए था, रोगन जोश मंगा लिया, मटन है, मैं मटन खा लूँगा रोटी से, तंदूरी रोटी से, ठीक है, महंगा है लेकिन चलो कोई नहीं, मजबूरी है भाई। खाना ही बता भाई, खाना तो ठीक ठाक था लेकिन यार महंगा बहुत ज्यादा था। ठीक था, पक्की बात है दिल से? नहीं, खाना तो अच्छा था, टेस्ट भाई अच्छा मटन था, ना मटन लाजवाब था और वर्थ इट था, मतलब ठीक था, मेरे तो पेट भर गया कसम से। और रोटी नॉर्मल वाली बढ़िया थी भाई। हाँ बढ़िया, फालतू 80 रुपए की एक बटर नान बताओ। और इन्हें पानी पीना मोल का, ये जो भाई तो इनके साथ कंटिन्यू करेंगे, आप लेह में जाके मिले हैं कहीं जाके, तो इनके साथ कंटिन्यू करते हैं भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी चढ़ाई हो रखी है पेंगोंग वाली, ये देख रहे हो शायद दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदी चढ़ाई है। 4x4 भी मोमेंटम बना के जा रही है, यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही ठीक से, क्लच ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी हवा निकाल देता हूँ। नहीं बस चल रहे हैं हम तो, वरना ना सर मेरे तो दर्द होने लगा। हाँ अच्छा अमन भाई लेकिन आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीयूष, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैप्पी बर्थडे टू भाई। हल्के से नज़ारे दिखे हैं हमें, आप देख पा रहे होंगे, बहुत हल्के हल्के नज़ारे दिखे।